सिंगापुर में एक साल में कितनी मेडिकल लीव होती है, कितनी एनुअल लीव होती है, पूरा बताने वाला हूँ इस वीडियो को भाई, पूरा देखना और सब समझ में आ जाएगा। जितने भी फॉरेनर वर्कर काम कर रहे हैं वो एक साल में कितनी छुट्टियाँ ले सकते हैं, एनुअल लीव और मेडिकल लीव टोटल मिला के, और जो अपने ये छुट्टियाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं पूरी बताने वाला हूँ। पेड है, अनपेड है, कैसे आपको पेड मिलेंगी, और अगर आप छुट्टियाँ लेने जाते हो तो भी आपको सैलरी मिलेगी, पूरी देखना वीडियो को। Y la cosa suena rap. Scooby Doo pop. बिल्डिंग का नज़ारा सिंगापुर में, आपको बिल्डिंग ही बिल्डिंग दिख रही है दोपहर में, देखो कितना कैसा दिखता है आपको। ये नीचे, हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरी उम्मीद और मेरा विश्वास आपके साथ है सब कुछ अच्छा और बेहतर होगा। आज का जो टॉपिक, काफ़ी सवाल आए थे कि सर हम बाहर से सिंगापुर में काम करने वाले हैं, एज अ फॉरिनर हम काम करने वाले हैं सिंगापुर में, तो हमें छुट्टियां कितने दिन की मिलेगी कि हम घर भी जा सकें। हाँ, और कितने दिन का बेनिफिट है, वो छुट्टियाँ अनपेड हैं पेड हैं, कि आपको उसमें घर जाने के दौरान कुछ आपको मिलता है या नहीं मिलता है, पूरा डिस्कस करने वाला हूँ। तो मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं, पहली बार देख रहे हैं, अगर इस चैनल को दूसरी बार भी देख रहे होंगे या पहली बार गलती से किसी ने चैनल को देख लिया, शेयर सब्सक्राइब और प्रेस द बेल आइकन, ऑल का बटन दबा दें ताकि फ्यूचर में नोटिफिकेशन मिलता रहे। सबसे पहले तो आप लोगों को बहुत थैंक्स देना चाहता हूं, जो इतना प्यार देते हो, इतना सपोर्ट करते हो, एक नॉर्मल बंदे की बातें सुनते हो, और ये सब प्रोत्साहन आप लोगों की वजह से होता है, ताकि आप लोग मेरे को शेयर, मेरी वीडियो को शेयर सब्सक्राइब लाइक करते हो और कोई कमेंट्स करते हैं कि ताकि मैं आगे और भी वीडियो आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी से अच्छी दे सकूं। तो सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूं, अगर आप सिंगापुर में वर्क परमिट लेना चाहते हैं, कंस्ट्रक्शन की जॉब लेना चाहते हैं, कैसे मिलेगी, एजेंसीज की डिटेल क्या है भाई, इधर आ रही है आई बटन पर, आप देख लेना जाके। और हाँ भाई, और भी कंट्रीज की, पोलैंड के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, पुर्तगाल के ऊपर भी शायद बना रखी है मैंने, माल्टा के भी ऊपर, और माल्टा के ऊपर और किसी और कंट्रीज के ऊपर भी आने वाले, अगर आप चाहते हो रोमानिया के ऊपर आए तो मैं भी आगे वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा कि एजेंसीज कैसे ढूंढे। तो पोलैंड की और सिंगापुर की ऑलरेडी बना दी है, अगर आप चाहते हो तो देख लेना, मेरे चैनल को जाके देख लेना डिस्क्रिप्शन में, और नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब। और हाँ भाई, अगर आप नॉन वीटीएल, वीटीएल के ऊपर भी देखना चाहते हो तो भाई देखो क्या क्या लॉ है, ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, वीटीएल से भी आ सकते हैं और नॉन वीटीएल से भी आ सकते हैं, अपॉर्चुनिटीज दोनों की दोनों है, वर्क परमिट भी आ सकता है, लेकिन क्या किसके लिए क्या कहते मैंने ऑलरेडी वीडियो आप देख लेना। तो चलो उसकी बात छोड़ते, सबसे पहले करते हैं कि भाई एक फॉरिनर जब सिंगापुर में काम करने, जैसे मैं भी आया था कोरोना से पहले की बात को, लेकिन ये चीजें सब सेम रहती है, कोविड की वजह से ट्रेवल नहीं कर पाया लोगों ने 2-3 साल, लेकिन अब लाइफ नॉर्मल आ चुकी है। तो बात करते हैं, अगर कोई नया बंदा आता है, और कंपनीज के भी कुछ लॉ एंड टर्म्स होते हैं, तो देखो 1 साल की 14 MCs मेडिकल लीव होती है, और 14 जो होती है एनुअल लीव होती है, तो कुल मिला के 28 डेज आपके होते हैं। अब फॉरिनर्स वर्कर क्या है, मेडिकल लीव्स जो है, अगर आप दुर्भाग्यवश, अनफॉर्चुनेटली आप बीमार पड़ते हो तो मेडिकल आप लीव ले सकते हो 14 दिन की, और अगर एनुअल लीव आपने 14 दिन की नहीं ली है तो वो ट्रांसफर हो जाती है अगले साल के। तो मोस्टली मैंने देखा है जो फॉरिनर्स होते हैं, हर 2 साल में एक बार अपने घर जाते हैं, तो 1 महीने की छुट्टी के लिए जाते हैं, तो उनको 14 + 14 28 तो उनको पेड मिल जाता है। कुल मिला के ये जो उनकी जो एनुअल लीव पेंडिंग्स होती है, तो 28 दिन का आपको काम करने का भी जरूरत नहीं, और आपको सैलरी मिल, इसे बोलते हैं पेड। कुछ वर्कर्स जो होते हैं, कुछ लोग जो होते हैं, वो यहीं पर छुट्टियां ले लेते हैं, और जब वो इंडिया जाते हैं तो उसमें सैलरी आपको नहीं मिलेगी। तो कुछ इस तरह से, और कुछ जो पुराने वर्कर्स हैं काफी सालों से काम कर रहे हैं, उसमें जो है एनुअल लीव 21 दिन की साल की दी जाती है, ये ट्रांसफर हो जाती है अगले साल, एक बार ही ट्रांसफर होती है। ऐसा नहीं कि आपने 5 साल काम कराया, 5-6 साल आपने एक साथ जाओगे तो 3 महीने की छुट्टी, ऐसा नहीं, 1 साल में एक बार ट्रांसफर हो जाएगी दूसरे साल के लिए, उसके बाद बर्न हो जाती है, कोई एनुअल लीव नहीं रहती है। मेडिकल लीव जो है वो आपका ट्रांसफर नहीं होती भाई, 1 साल में अगर आपकी 14 है तो 14 ही मिलेंगी, लेकिन जो एनुअल लीव्स होती है किसी कंपनी की 14 होती है, किसी कंपनी की 21 होती है, और किसी जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो काफी पुराने वर्कर, उनके लिए 21 होती है। वर्कर्स पे भी डिपेंड करता है कितने साल से कंपनी में ज्वाइन है, कंपेयर कर रहा है। तो जैसे काफी मैंने देखा यहां पर लोग क्या करते हैं, 2 साल तक काम करते हैं, तो 2 साल की जो उनकी एनुअल लीव 28 दिन की हो जाती है, तो 28 दिन की एनुअल लीव में अपने घर जाते हैं और उसमें सैलरी भी आपको मिल जाती है। वही टिकट की बात, देखो टिकट कंपनी टू कंपनी लॉ करता है, अगर आपके एम्प्लॉयर्स कभी कभी आपको टिकट 2 साल में एक बार
मार्क देने की कोशिश। वर्कर्स, कंस्ट्रक्शन वर्कर में मैंने देखा कि 2 साल पे एक बार आपको टिकट मिलती है घर जाने की। अब एनुअल लीव का चक्कर क्या, अगर आपने छुट्टी आपकी बची हुई है तो आपको सैलरी मिलेगी, अगर नहीं है तो भाई आप जाओगे तो सैलरी नहीं मिलेगी, कुछ इस तरह से है। मेडिकल लीव जो है वो 14 दिन की है, वो अगले साल ट्रांसफर नहीं होती। अगर आप इस साल में 14 मेडिकल लीव आपने नहीं ली तो ट्रांसफर नहीं होगी, एनुअल लीव आपकी ट्रांसफर हो जाती है। किसी ने मुझसे पूछा था कि सर यहाँ पर पब्लिक हॉलीडेज की छुट्टियां कौन कौन सी होती है, तो उसके ऊपर मैं अलग वीडियो बनाता हूँ। सिंगापुर में बहुत सारी मल्टीकल्चर सोसाइटी है, यहाँ पर एक धर्म नहीं, काफी रिलीजन के लोग रहते हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड के लोग रहते हैं, और कुछ जो मेजर 4 है लाइक मले हैं, चाइनीज हैं, इंडियंस हैं, अदर्स क्रिश्चियंस हैं, तो इन तरह की जो हॉलीडेज काफी काउंट होते हैं, तो सिंगापुर में छुट्टियां काफी आती है। इससे तो अगर आप छुट्टियां देखना पूछना चाहते हो कि पब्लिक हॉलीडेज एक साल में कितनी आती है, तो मैं आगे एक वीडियो बना दूंगा, उसके लिए कमेंट्स कर देना मुझे। और आज के लिए इतना ही कि मेरे को बताना था कि एनुअल लीव और मेडिकल लीव कैसे होती है, तो आपको समझ में आ गया होगा। तो आई होप सो आपको अच्छी लगी होगी वीडियो, अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।